परम कृपाणु देव श्रीमद राजचंद्र जी, श्री आत्मसिद्धि शास्त्र के प्रथम ही गाथा में कहते हैं, पहली ही गाथा में, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। पहली ही गाथा और उसके भी पहली ही पंक्ति। वैसे तो श्रीमद जी ने कहा कि इन 142 गाथा के अंदर मैंने 14 पूर्वों का सार डाल दिया है। सब शास्त्रों का सार कहीं आप कर इकट्ठा हो जाता है, तो परम कृपाणु देव ने कहा श्री आत्मसिद्धि शास्त्र में। और सौभाग्य है आपका और हमारा भी कि अब यही आत्मसिद्धि शास्त्र का पारायण हमें हिंदी में भी करने को मिलेगा। किताबें छपने में है, गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले, जैसा कि यहाँ भी लिखा है, 2 दिनों में 2 विमोचन करेंगे। 1 दिन द्रव्य संग्रह ग्रंथ श्रीमद राजचंद्र मिशन निकालेगा और दूसरे दिन परम कृपाणु देव द्वारा बताए 18 मुख्य पद जो है उनका हिंदी संकलन हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिसने इन 142 गाथाओं को समझ लिया श्री आत्मसिद्धि शास्त्र की, उसे हर शास्त्र का हार्द पता चल गया। हार्द मतलब वो क्या कहना चाहता है, वह शास्त्र हमें क्या बतलाना चाहता है। कहो तो शायद हमने सारे शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन तुम किसी भी शास्त्र का कोई भी पन्ना उठा के ले आओ या कोई भी श्लोक उठा के ले आओ, तो थोड़ी बहुत संस्कृत की पहचान है, थोड़ी बहुत अर्धमागधी की पहचान है, और पूरी पूरी आत्मसिद्धि शास्त्र के बोध की पहचान है। इसलिए तुम्हारे किसी भी शास्त्र का कोई भी पन्ना, कैसा भी प्रश्न, उसका जवाब हमारे भीतर से निकाला जा सकता है। 142 गाथाओं में सब कुछ कह डाला है, कुछ भी बाकी नहीं रखा। और कोशिश रहेगी कि इस तरह से हम भी कुछ अपना नित्यक्रम अब सेट करें कि कहीं महीने में 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार जो निवृत्त है वो लोग तो 10-10 बार भी आत्मसिद्धि का ही रटन करो। खाली उसका रटन मात्र करना, और वैसे वो शब्द इतने आसान है, गुजराती आपके लिए शायद टफ पड़ता, तो अब ये पूरे मिशन का जो भी सेवा की जो टीम थी उसने सब कुछ टोटली हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया है। आत्मसिद्धि, अपूर्व अवसर, हे प्रभु, यम नियम, सब कुछ हिंदी के अंदर आएगा। मेनली लीना प्रभु और ये स्वाति प्रभु और इन सब की सेवा रही, इन लोगों ने सब कुछ ट्रांसलेट किया और बिल्कुल हमारे निरीक्षण से निकला है। एक भी शब्द ज़्यादा या कम हो ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन शब्दों के अर्थ भेद भी हम लोग समझेंगे। यदि आप केवल इनका पोपट पाठ भी कर जाए ना, जैसा भी आप लोगों ने किया होगा ना, जो जो टीम्स बनी थी उन्होंने पिछले 15 दिनों में यही काम किया होगा। सब लोग हंस रहे हो, बिल्कुल समझा नहीं समझा, अंदर उतरा नहीं उतरा, बेन प्रभु ने क्या बोला था मोक्ष मार्ग गति में, तो मोक्ष मार्ग गति वाली टीम लगी होगी इधर उधर से देखने में, लिखने में, था कि नहीं, कितना भीतर उतरा, मैं अभी तुमसे प्रश्न भी नहीं कर रही। लेकिन यदि तुमने इन वचनों का पोपट पाठ भी किया है ना, वैसे मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा में यदि आपका पोपट पाठ भी हुआ है ना, तो प्रकृति का नियम कैसा है तुम जानते हो? प्रकृति का नियम ऐसा है कि कबूतर को खाना दे दो और खाना देकर पिंजरे में डाल दो, तो वो चुपचाप पिंजरे में बैठा बैठा वो खाना खाता रहेगा। बाहर से चाहे आप पिंजरे की कुंडी मारो कि ना मारो, वो छूटने की, स्वतंत्र होने की, उड़ने की कोई चेष्टा ही नहीं करेगा। उसका लक्ष्य मात्र भोजन होता है, उड़ना भी उसका भोजन के लिए ही होता है। तो वो भोजन यदि तुमने उसको दे दिया, तो पिंजरे में बैठा बैठा तुम पिंजरा उघाड़ के भी रख दो ना, तो भी कबूतर पिंजरे में बैठा बैठा दाना खाएगा। लेकिन उसके सामने पोपट ले आओ कभी, तुम सब पोपट ले आओ उसके सामने कभी, और उसका खाना खाने के साथ उस पोपट को, पोपट कौन होता है, नहीं कौन होता, कौन, ट्रांसलेशन नहीं पूछ रही, जो तुम लोगों ने पिछले 15 दिन किया होगा, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी फेवर में हूं, इसलिए ये मत सोचो, ये लोग चाहे कितना भी हंस रहे हैं, मैं तुम्हारी फेवर में हूं सबकी। पोपट का नियम है, पोपट को, भूखा से भूखा पोपट भी होगा, उसको दाने के साथ पिंजरे में डालो
और थोड़ा तुमने पिंजरा बाहर से कुंडी भी मारी होगी ना, तो भी पंख मार मार के मार मार के मार मार के पिंजरे का गेट तोड़ के उड़ने निकल जाएगा। ये पोपट होता है, जिसके भीतर ज्ञानी के वचन का केवल पोपट पाठ भी चल रहा है ना, उसको भी संसार के थोड़े थोड़े दाने यदि मिल भी जाए ना, तो भी वो पिंजरा तोड़ के निकलने की हिम्मत रखता है। इसलिए ज्ञानी के वचन कितने समझ में आए नहीं आए, आज मैं बिल्कुल तुम टीम्स के साथ हूँ। डोंट वरी, रचित प्रभु यहाँ, ये प्रभु, लक्षिता प्रभु, तुम सब एकदम मुझे तैयार दिख रहे हो, मैं भी तैयार हूँ। तुमसे कोई भी चूक हो जाए बिल्कुल चिंता मत करना, बोलना हम तो पोपट ही हैं, और पोपट को तो पिंजरा तोड़ने से मतलब है। पोपट के पोपट इतनी बार ज्ञानी के वचन का रटन कर चुका है ना, इतनी बार कि उस रटन के कारण उसमें ये वीर्य उठता है कि चाहे कैसा भी सुंदर दाना डालो उसके सामने, पर पिंजरा तोड़ने की उसकी खुमारी, पिंजरा तोड़ने की उसकी जो उसका जो वीर्य है वो कैसे भी उछलता है। पोपट बनके भी यदि तुम आत्मसिद्धि गालो, यदि तुम आत्मसिद्धि शास्त्र गालो, यदि तुम उत्तराधीन सूत्र गालो, बोल लो, समझ लो, नारद को बोल लो, अष्टावक्र बोल लो, मुझे लगता है इस जीवन में बहुत बड़ा साहस तुम्हारे भीतर आ जाएगा। वैसे तो 3 वर्षों से श्री उत्तराधीन सूत्र चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रंथों से भी ना अटैचमेंट हो जाती है। जब अष्टावक्र मुनि जा रहे थे तब तो तुम्हें मालूम है मेरे तो अश्रुधार भी बह रहे थे कि अरे 1.5 वर्ष तक हमें अध्यात्म के जिन ऊंचाइयों पर आप ले गए और अचानक से आप बाय बाय कह के जा रहे हो, हमें क्या पता था वो दूसरे नारद की और उसके बाद कृष्ण के हाथों में हमारा हाथ देकर जाने वाले, हमें नहीं पता था ये उड़ान ऐसे ही ऊँची चलती रहेगी। उस समय तो ऐसा ही लग रहा था, अरे अष्टावक्र गए, जनक गए, मतलब सब गया, ऐसा ही था। तो आज भी सुबह से कुछ बार बार इस शास्त्र को देख के ऐसा ही लग रहा था, बस प्रभु अब आपको भी ऊपर की लाइब्रेरी में हम रख देंगे, अब तो बस हो गया, 3 वर्षों का बहुत अच्छा समागम रहा। फिर अचानक अपने से ही प्रश्न किया, ये शास्त्रों को बदलती क्यों हूँ मैं? क्योंकि अगर 4 अध्ययन करने में, उत्तराधीन सूत्र के 36 अध्ययन में से 4 अध्ययन करने में हमें 3 वर्ष लगे, तो 36 अध्ययन करने में हम कम से कम 15 साल निकाल देते कि नहीं? तो फिर क्या आवश्यकता क्यों पड़ती है, बार बार यहाँ पर कोई ऐसा मैसेज क्यों डाउनलोड होता है, शास्त्र बदलो, शास्त्र बदलो। और अभी इतने सालों से इतना बड़ा था, अभी एक छोटा सा इतनी सी पुस्तक आएगी, गुटका बोलते हैं हम लोग इसको, इतनी छोटी सी तो पुस्तक आती है ना, इसका गुटका नाम ही है, गुटका इस शेप के अंदर और इस साइज में आती है, इतने बड़े शास्त्र से अचानक इतना छोटा शास्त्र। तो प्रश्न उठा कि ये बार बार शास्त्रों को बदलते क्यों हैं? कितने ही संप्रदाय है भगवत गीता का आधार लेकर चलते हैं, जिंदगी भर भगवत गीता का पाठ करते हैं, जिंदगी भर वही समझते हैं, उसी का एक श्लोक उठाते हैं, उसी को 4 बार समझते हैं, समझाते हैं, कितने शिव सूत्र को लेकर बैठते हैं तो वो उसी को समझाते रहते हैं, कितने ही जैन परंपरा में तत्वार सूत्र को लेकर बैठते हैं तो केवल तत्वार सूत्र का ही अध्ययन। उत्तराधीन सूत्र पूरा कभी जल्दी से कोई उठाता नहीं है, लेकिन जैनों में, हिंदुओं में, बौद्ध में, बौद्ध में धम्मपद ले लिया, फिर और कोई शास्त्र ही नहीं उठाएंगे। तो आज ही भगवान से वार्तालाप चल रहा था, ध्यान करने के बाद थोड़ी देर में बैठी थी, भगवान के साथ बातें करती हूँ कभी कभी, तो भगवान से पूछ रही थी, भगवान आज इस शास्त्र को बाय बाय कहना है और नया शास्त्र छप रहा है, उसका भी बस तैयारी है, ये शास्त्र बदलवाते क्यों हो? हम लोग कितने कम्फर्टेबल थे कि नहीं उत्तराधीन सूत्र के साथ, भगवान महावीर की अंतिम देशना कितने पहर चली, 16 प्रहर 48 घंटे चली, और सारा 55 पुण्य के विषय में प्रश्न हुए, 55 पाप के विषय में प्रश्न हुए, 110 प्रश्न खत्म हुए, उसके बाद वास्तविक रूप से भगवान ने बोलना आरंभ किया और वो जो बोले उसका संकलन पूरा उत्तराधीन सूत्र। कितना हम लोगों को रट गया था, चाहे तुम भूले हुए हो मैं तुम्हें याद करा रही हूँ, लेकिन कितनी बार बोला था कि नहीं बोला था, ये सब कुछ ऑलमोस्ट याद हो गया था सब कुछ, और हम कितने कंफर्टेबल थे शास्त्र के साथ, भगवान महावीर की पद्धति के साथ, पारुल प्रभु जिस ढंग से गा रहे थे उनके गाने की शैली में, हम लोग कितना मजा आ रहा था। फिर अचानक शास्त्र क्यों बदलवा रहे, और वो भी पूरा किए बिना, 4 ही अध्ययन किए, बाकी के तो किए भी नहीं है, तो क्यों बदल देते हो? आज ही भगवान जी से बात कर रही थी तो गॉड जी ने बस इतना ही उत्तर दिया कि इस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक से आवश्यक सिद्धांत है किसी भी संप्रदाय, किसी भी शास्त्र, किसी भी साधन का आग्रह और आसक्ति नहीं होना चाहिए।
यदि तुम्हें केवल एक ही शास्त्र 15 साल तक मैं करा दूं ना कहीं तुम्हें उसकी आसक्ति हो जाएगी उस शास्त्र की, और आग्रह हो जाएगा कि उत्तराध्यन में ही सब कुछ है और कहीं नहीं है। भाई तुम ये कह सकते हो उत्तराध्यन में सब कुछ है, जो जो कुछ मुझे चाहिए था वो सब कुछ मुझे उत्तराध्यन सूत्र में मिला, लेकिन उत्तराध्यन में ही है। ये जो ही शब्द हम लगा देते हैं ना, ये हमारे आग्रह की सूचना देता है। इसलिए किसी भी शास्त्र के साथ, किसी भी साधन के साथ, किसी भी ध्यान की पद्धति के साथ, मैं ध्यान भी बदल देती हूँ कि नहीं, वर्ष के अंत में ध्यान भी बदल देते हैं, क्या पता किसी दिन अपना नाम भी बदल दूँ, मेरे नाम भी बदल रहे हैं। आपने देखा होगा रत्ना बहन, रत्ना प्रभु, रत्ना श्री, नहीं क्या क्या बोलते थे, बेन श्री रत्ना प्रभु, उसमें से बेन प्रभु, श्री बेन प्रभु, 5-6 नाम अभी तक मैं भी बदल चुकी हूँ अपने पासपोर्ट पे, एक ही है लेकिन इतने बदल चुके हैं, क्योंकि इस नाम रूप के साथ भी कोई आग्रह, कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबके लिए अध्यात्म परंपरा से चलते हुए, मैं अध्यात्म परंपरा नाम देना चाहती हूँ, मैं ना तो इस परंपरा को जैन परंपरा कहना चाहती हूँ, ना इस परंपरा को हिंदू परंपरा कहना चाहती हूँ, ना हमारी इस परंपरा को आगे जाके कोई बौद्ध ग्रंथ आए और बौद्ध परंपरा कहना चाहती हूँ, मैं नहीं कहना चाहती। मैं SRM की इस परंपरा को अध्यात्म परंपरा कहना चाहती हूँ, और अध्यात्म परंपरा का नियम है कि जिससे भी रूपांतरण होता हो, जिससे भी, जिस शास्त्र से, जिस साधन से, जिस वचन से, जिस कृत्य से भीतर रूपांतरण होता हो, ट्रांसफॉर्मेशन होता हो, दो पाथ है ना, दो स्टेप्स हैं, याद है थोड़ा थोड़ा, रूपांतरण और दूसरा रूपातीत, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसेंडेंस, ये दो चीजें जिस भी मार्ग से होती हो वो करने योग्य है। और इसीलिए श्रीमद् ने आत्मसिद्धि में ही आगे जाते हुए कहा, आगे जाते हुए ही उन्होंने कहा कि एक होय तृण काड़मा परमा रत्नो पंथ, तीन काल में, तीन काल यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों काल में परमार्थ का पंथ जो होता है ना वो एक ही होता है। तुमको कि नहीं अलग होगा, भगवान महावीर के टाइम पे अलग होगा, हमारे टाइम पे अलग है और आगे जाके अलग होगा। मार्ग को अभिव्यक्त करने के ढंग बदल जाते हैं डेफिनेटली, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है उसके अकॉर्डिंगली मार्ग को प्रस्तुत करने के, मार्ग को प्रेजेंट करने के, मार्ग को बताने के ढंगों में परिवर्तन होता है, लेकिन मार्ग क्या है, श्रीमद् ने कहा एक होए, एक होए तीन काल में परमारथ का पंथ, प्रेरे उस परमार्थ को, ये पहली लाइन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन दूसरी प्रॉब्लम वाली है, प्रेरे उस परमार्थ को वो व्यवहार समंत, उस परमार्थ की तरफ तुम्हें जो साधन ले जाए, जो शास्त्र ले जाए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम शास्त्र हो, चाहे जैन शास्त्र हो, चाहे ईसाई शास्त्र हो, चाहे कुशास्त्र हो, लेकिन यदि तुम्हें परमार्थ की तरफ ले जाए, परमार्थ यानी आत्मा की तरफ, आत्मा की तरफ यानी राग द्वेष रहित स्थिति के तरफ यदि तुम्हें ले जाते हैं तो वो हमें स्वीकार है। कोई भी परमार्थ का मार्ग एक ही होता है, और मार्ग यानी क्या, देखो सिंपली इसे एग्जांपल से समझो, आज मुझे छोटा छोटा करने का है, सिंपल समझो कि यहाँ मेरे पास ये पुस्तक पड़ी है, ये शास्त्र पड़ा है, मैं वहाँ से उनको कहती हूँ, ये वर्षा प्रभु को, डॉक्टर प्रभु को बोलती हूँ कि प्रभु आइए तो इस शास्त्र का स्पर्श करें, आप आएंगे, आप नहीं अभी नहीं, अगर मैं कहती हूँ तो वर्षा प्रभु उठ के वहाँ से आएंगे इस शास्त्र का स्पर्श करने, वो यूं आएंगे, क्या होगा आपका, लेफ्ट स्ट्रेट एंड देन राइट, इससे हमने एक निश्चय कर लिया कि ये शास्त्र तक पहुँचने का मार्ग क्या है, लेफ्ट स्ट्रेट और राइट, निश्चय कर लिया ना, चार लोग ऐसा करेंगे ना, उसके बाद इन प्रेम प्रभु को बोल दूँ लेफ्ट स्ट्रेट एंड देन राइट, उसके बाद वहां पे किसी और को भी बोल दे संगीता प्रभु को लेफ्ट स्ट्रेट राइट, तीन लोगों ने ये किया, अब क्या हो गया परमार्थ का मार्ग, लेफ्ट स्ट्रेट, तीन लोगों ने, और यहां 2500 सालों का फासला है, तीन लोग भी ये बोल दे तो मुझे यहां से दिखे अचानक सौरभ प्रभु, सौरभ प्रभु आपको यदि मैं वहां से आने को कहूं तो आपके लिए मार्ग क्या होगा, हाँ आपके लिए स्ट्रेट एंड देन अलग मार्ग, अब इनको बोल दूं मैं दिव्या दृष्टि प्रभु को, कृति के बोल दूं क्या मार्ग होगा,
स्ट्रेट, उनको किसी को बोल लूं तो वो पीछे से कहेंगे राइट स्ट्रेट एंड लेफ्ट, एकदम अपोजिट बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? ये वाले बोलेंगे शास्त्र तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है, लेफ्ट स्ट्रेट राइट। ये वाले बोलेंगे शास्त्र तक पहुंचने का मार्ग नाक की सीध में, ये वाले बोलेंगे राइट स्ट्रेट लेफ्ट। अब तुम कहोगे कौन सा मार्ग सत्य है, प्रेरिते परमार्थ ने जो शास्त्र तक पहुंचाता हो वो मार्ग सही है। इतनी समझ नहीं आ रही आजकल के मिथ्यादर्शी जीवों को, आजकल का जो अज्ञान और आग्रह और जो आसक्ति भरी हुई है, इन लोगों को इतनी बात नहीं समझ में आती कि जो तुम्हें राग द्वेष रहित कर रहा है वो धर्म है, जो तुम्हें नए नए साधन पकड़ा रहा है वो धर्म हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। भाई साधन मैं भी चातुर्मासिक नियम में दूंगी, लेकिन मैं उसको क्लेम नहीं करती कि वो धर्म है। मैं तो किसे क्लेम करती हूँ धर्म, जो तुम में रूपांतरण ला रहा है। रूपांतरण किस लेवल का, राग द्वेष रहित पने का। रूपांतरण कैसा, तुम्हें प्रसन्न रखने का। रूपांतरण कैसा, तुम्हें पवित्र रखने का। रूपांतरण कैसा, तुम्हें परमात्मा की निकटता का एहसास कराए, तुम्हें प्रेम से भरे, ऐसा रूपांतरण। अब चाहे तुम लेफ्ट स्ट्रेट राइट करके आओ या राइट स्ट्रेट लेफ्ट करके आओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, पहुंचना है बस। लोगों को आग्रह हो जाता है। आज ही किसी की बात मुझे गौतम प्रभु बता रहे थे, सुन के अच्छा नहीं लगता, लेकिन भीतर जो गुरु तत्व है ना वो बड़ा शांत रहता है, ऊपर ऊपर का बुद्धि तत्व उछलता है, ये क्या ऐसा क्यों किसी ने कह दिया, लेकिन जो गुरु तत्व है ना वो इसमें वजन इतना ज्यादा है ना, गुरु गुरु मतलब वजन उसका इतना ज्यादा है कि वो उछल ही नहीं पाता, वो किसी भी स्थिति में शांति से ही बैठता है। तो किसी का मुझे बता रहे थे कि प्रभु उन्हें लगता है ऐसा रमना जैनिज्म से दूर जा रहा है आप। मैंने कहा ये कैसे कह सकते हैं, हम उत्तराधीन सूत्र कर रहे हैं और इसके बाद जो द्रव्य संग्रह शुरू करने जा रहे हैं टोटली कोर जैनिज्म है। अगर किसी को आपत्ति हो तो पहले ही बता दूं, कोर जैनिज्म द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्य और 9 तत्व की ही बात है। 56 की 56 गाथाएं खाली 6 द्रव्य 9 तत्व पर है। लेकिन किसी ने ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया हमें ना, आप तो कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैं तो कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ कि अब मुझे तुम लोग जैनिज्म की सिमटी बाउंड्रीज में मत रखो। जिसने आकाश देखा है उसे छोटी छोटी खिड़कियों से कुछ लेना देना नहीं आता। किसी ने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया आज हम लोगों को, SRM को, कि आप लोग जैनिज्म से दूर जा रहे हो। ऑल्दो गौतम प्रभु ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो उन्होंने कहा भगवत गीता में जो आप बता रहे हो ऐसा जैनों में तो कहीं नहीं लिखा। नहीं लिखा, तुमने कितने जैन शास्त्र पढ़े पहले तो मुझे ये बताओ। तो उन्होंने पढ़े वढ़े तो कुछ भी नहीं है। जैन शास्त्रों में खाली उन्हीं लोगों को, अगर वो सुनते होंगे ना सत्संग, तो उनको मैं खाली एक शब्द कहूँ, जैनों में एक शब्द आता है लोकाकाश, और उसी के आगे एक शब्द आता है अलोकाकाश। लोकाकाश का मतलब क्या होता है, उसके भीतर का आकाश, और अलोकाकाश क्या हुआ, उसके बाहर का। यानी जैन भी मानते तो है ना कि अंदर बाहर वाला कुछ है, भले जैनों ने उसकी प्रसिद्धि नहीं की, जैनों ने उस विषय को छुआ ही नहीं है जैनों ने, क्योंकि उस समय जब भगवान महावीर आए यहाँ उस समय ये जो धर्म संप्रदाय थे इतने ज़्यादा क्रिया कांडों में फंस गए थे, शिवलिंग की पूजा करना, शिवलिंग के आसपास नाचना, दूध चढ़ाना, अघोरियों की, अघोरी होते हैं ना, अघोरियों की साधना इतनी बढ़ चुकी थी, हवन यज्ञ पंडित पांडे इन सबका जोर ऐसा था कि उस में से जीवों को हटाने के लिए भगवान महावीर ने सीधी अध्यात्म दृष्टि दी कि ये करना है तुम्हें। उन सबको नकारा नहीं है, लेकिन उन सब में जीवों की पड़ती दिखी उन्हें कि जीव गिर रहे हैं, इसलिए भगवान महावीर ने उन्हें ये दिया। अब वही भगवान महावीर ने इसको नहीं बताया, ऐसा नहीं है, जरूर इन सब का उल्लेख है, लेकिन गौण रूप में उल्लेख है। अब हम जब इन सब की बातें कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप जो भगवत गीता से बातें कर रहे हैं ना वो हमें जैनिज्म से दूर ले जा रहा है। मैं कहती हूँ भगवान तुम्हारा भला करे, जहाँ भी तुम रहते हो प्रभु कृपा रहे तुम्हारे ऊपर, लेकिन हमें तो ये इज्म से दूर जाना ईश्वर के निकट आना दिख रहा है। हमारे तो साथ जितने भी, एक तरफ कहते हैं बहुत रूपांतरण है, बिन प्रभु को सुनकर हमारे जीवन में बहुत रूपांतरण है, बहुत फर्क आया है, हमारे राग द्वेष कम हुए हैं, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं। जैनिज्म के कंसेप्ट्स भी जो दूसरे कोई नहीं समझा सकते वो बिन प्रभु ने बहुत सरलता से समझाए, ये सब कॉम्प्लीमेंट दिए। लेकिन भगवद गीता कर रहे हैं ना,
इसलिए वो जैनिज्म से दूर जा रहे हैं। भाई उनको गौतम प्रभु ने सजेस्ट किया कि आप उत्तराधीन सूत्र देख लो, छोड़ दो भगवद गीता, गया प्रभु का प्रभु के हाथ में रखो, तुम लोगों को इतना ही जैनिज्म से प्यार है तो वो देख लो। नहीं वो नहीं, वो भगवद गीता कर रहे हैं ना। अब ऐसे जीवों का आप ही मुझे सुझाव दो, हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आए तो हमें क्या करना क्या चाहिए। ये सत्संग संडे को शिफ्ट कर दें, क्योंकि देखो मुख्यतः तो संडे की ही दिख रही है मुझे। संडे को जो सत्संग कर रहे हैं वो हमारा धर्म हो गया ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन भाई एक ही संडे होता है, उस दिन हम ये करते हैं हमारे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली। तो क्या करें क्या, तुम बताओ, कुछ सुझाव दोगे? आप लोग बड़े होशियार किस्म के लोग बैठे हैं आगे। अनु प्रभु, हाँ, अरे बेचारे को लेट गो करेंगे तो कहाँ जाएंगे ऐसा भी लगता है। उनको लेट गो करें कि उनकी बात का लेट गो करें? बात का तो लेट गो कर ही देते हैं, लेकिन वो भी लेट गो हो गए उसका क्या करें? उनके लिए मंगल भावना करें। कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए हमें, बस इससे हमें इतना ही समझना है, पुरुषार्थ हम कुछ नहीं कर सकते, पक्का है। हम कुछ नहीं, हम केवल मंगल भावना, बहुत अच्छा बोला इस बच्चे ने, मंगल भावना करो उन लोगों के लिए कि जहाँ तहाँ से राग द्वेष रहित होना ये धर्म है, और वो धर्म चाहे तुम्हें बुद्ध के शास्त्रों से मिले तो अपना लो, चाहे हिंदू के शास्त्रों से मिले तो अपना लो, लेकिन जैन के मत में आग्रह में उलझ कर तुम और नए राग द्वेष पैदा कर रहे हो, ये कहाँ का धर्म है? लेकिन बस पंचम काल और जीव की कम पात्रता, जीव की मोह अंधता, मोह में ऐसा डूबा है कि उसे ये स्पष्टता नहीं समझ में आ रही। सारा कुछ मेरे पक्ष में, मेरे मतलब SRM के समझाते अच्छा है, क्लैरिटी बहुत है, ज्ञान अद्भुत है, सब कुछ बहुत अच्छा है, जैन का शास्त्र भी लेते हैं, लेकिन संडे भगवद गीता क्यों करते हैं? तुम हंस सकते हो, मुझे तो दुख होता है, तकलीफ होती है कि इतने माठा कारण, श्रीमद ने यही वर्ड यूज़ किया ना, माठा कारण, एक 609 नंबर के वचनामृत में श्रीमद ने बोला, इतने छोटे कारण के कारण तुम पूरा मोक्ष मार्ग अपना दाव पर लगा देते हो। कहीं समझ नहीं आता फिर भी वहीं जाएंगे क्योंकि वो जैन है, यहाँ सब समझ में आता है पर यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि ये भगवद गीता क्यों कर रहे हैं। अब कल को उठ के हम संडे के सत्संगों में समय सार ले लेना, शायद वापस आ जाएंगे। तुम्हारा आना न आना, तुम्हारा आना चले जाना, तुम्हें मुबारक, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन तुम समय सार में वापस आ जाओगे ना तो तुम सत्संगों में तो आ जाओगे लेकिन मेरे हृदय में वो स्थान कभी भी नहीं पा पाओगे, कभी भी नहीं। क्योंकि जिससे केवल शास्त्रों का, ग्रंथों का, संप्रदायों का आग्रह है, और शब्दों का आग्रह, शब्दों का ही आग्रह है ना, कि भगवद गीता में जो शब्द है ब्रह्म, अध्यात्म, क्या क्या थे, अधिभूत, अधिदैव, आधे तो मुझे भी याद नहीं है, अधि यज्ञ, ये सब शब्द कहाँ हमारे जैनों में आते हैं? तुम्हें शब्दों का आग्रह है, शब्द तुम्हें कहाँ पहुँचा रहे हैं? वो ट्रायंगल से तो मेरे को इतनी मेल्स आई कि बेन प्रभु, वो ट्रायंगल से तो इतने अच्छे से समझ में आ गया, या तो वासना गिराते जाओ और इस तरफ से यम नियम आदि से ये गिराते जाओ, जैसे जैसे दोनों गिर के मर्ज हो जाएंगे सब कुछ एक हो जाएगा, कितने अच्छे से समझ में आई, लेकिन तुम्हें उस पर दृष्टि नहीं करनी और तुम्हें परमार्थ के पंथ का आग्रह रखना है, लेफ्ट, स्ट्रेट और राइट नहीं। किसी भी शास्त्र को मैं इसीलिए बदल देती हूँ ताकि तुम्हें उस शास्त्र का आग्रह ना हो जाए, दूसरा तुम्हें उस शास्त्र से आसक्ति ना हो जाए। संसार की आसक्ति, अटैचमेंट टूट रही है, लेकिन अब यहाँ शास्त्रों की अटैचमेंट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम यहीं अब इस शास्त्र के आसपास बैल की तरह घूमते रहोगे। इसलिए सद्गुरु का रोल है, परम कृपाणु देव ने 45 शास्त्र बताए हैं, 45 शास्त्र जो हम लोग क्रम से करते जा रहे हैं, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा कि जैन का ही शास्त्र लेना है, हिंदू भी दे दिया, बौद्ध भी दे दिया, सारे शास्त्रों का समन्वय कर डाला है। तो जब उन्होंने कहा तो इसी दृष्टि से पात्र मुझे पूछ रहे थे कि उन्होंने क्यों कहा इतने सारे शास्त्र करने के लिए, मैंने कहा उन्हें पता था कि उनकी उम्र छोटी है, 32-33 वर्षों के अंदर इतने सत्संग नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने उन सब का पूरा इंडेक्स बना के, कैटलॉग बना के हम जैसे लोगों के हाथों में पकड़ा कर चले गए। सब शास्त्रों को करना है क्योंकि 30 वर्षों में, 32 वर्षों के अंदर वो जितना लिखना चाहते थे ना नहीं लिख पाए, परम कृपाणु देव जितना कहना चाहते थे नहीं कह पाए, जितना लिखना चाहते थे नहीं लिख पाए, उन्हें भी लगा कुछ अधूरापना है
मेरे कहने में और लिखने में, तो वो संपूर्ण कब होगा? जब साधक तू अष्टावक्र गीता का भी अभ्यास करेगा, जब तू नारद का भी अभ्यास करेगा, जब तू भगवत गीता का भी अभ्यास करेगा, जब तू द्रव्य संग्रह का भी अभ्यास करेगा, जब तुम उत्तराध्यन सूत्र का भी अभ्यास करोगे। सब शास्त्र उन्होंने गिनवाए हैं, वही हम कर रहे हैं। अभी अपनी मति कल्पना से कुछ भी नहीं कर रहे। जो शास्त्र में मार्ग पूरा पूरा तुम्हें खुल कर उघड़ कर बाहर आ जाएगा, उनका पूरा लिस्ट बनाया। अब अपने को कहाँ बाहर जाके देखने का, 45 शास्त्र भी इस जीवन में कर ले, मुझे लगता है धन्य हो गया हमारा तो जीवन, हाँ कि नहीं? लेकिन उसमें तुम बार बार फिजिटिंग मत करना। अभी जैन हो गए हम, अभी हम हिंदू हो गए, अब हम बौद्ध हो गए, अभी हम लोग सिख होने जा रहे हैं, ऐसा कुछ गड़बड़ मत करना तुम लोग। हम लोग अध्यात्म दृष्टि के धारक, स्वरूप को समझे बिना सारा दुख है, और स्वरूप को समझाने का काम इन सत्संगों के द्वारा हो रहा है। यही हो रहा है कि नहीं? कौन सा स्वरूप? आत्मा का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, संसार का स्वरूप, जगत का स्वरूप, माया का स्वरूप, सद्गुरु का स्वरूप। कौन सा स्वरूप छोड़ा आज तक, बताओ? खाली आत्मा पे क्यों तुम्हारी सुई अटक जाती है? आत्मा का स्वरूप तो है ही डेफिनेटली। और आत्मा का स्वरूप कैसा है? गोल, चौड़ा, लंबा, ठिगना, कैसा है? निराकार, बिल्कुल, शाबाश, निराकार ही है बिल्कुल। लेकिन लाभ किससे होगा? आत्मा के ज्ञान स्वरूप है आत्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्ञानानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, ये आत्मा का स्वरूप है। सारे स्वरूप समझाने की तो कोशिश चल रही है, ईश्वर का स्वरूप, संसार का। तुम्हारे लिए ईश्वर कौन थे अभी तक? एक व्यक्ति। लेकिन अब क्या हो गए? पूरी समष्टि, पूरा समष्टि, पूरा संसार, जहां उत्पन्न संचालन और विनाश का कार्य हो रहा है, वो सब कुछ क्या है? ईश्वर का कर्म है, है कि नहीं? वही सब ईश्वर का अध्यात्म है, कर्म है, जो मैंने लास्ट सत्संग में देखा था। सद्गुरु का स्वरूप समझाया कि नहीं? तुम्हारी दृष्टि में अब तक सद्गुरु यानी कौन? कोई वेशधारी, कोई दाढ़ी लंबी लंबी हो, कोई ऐसे बैठा हो जिसके यहाँ पर हमेशा त्रिशूल हो, जिसके क्रोध से तुम थर 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 कांपते हो, ऐसा कोई सद्गुरु? कहीं तुम्हें श्राप ना दे दे, कहीं तुम्हें उल्टा सीधा ना कर। तुम्हारे लिए सद्गुरु का मतलब अब तक था कि कोई वेशधारी, कोई क्रियावादी, कोई ऐसा व्यक्ति। लेकिन अभी बिल्कुल दृष्टि बदल गई। वो वेश हो तो आपत्ति नहीं हमें, क्रिया साधन आदि खूब करते हो तो आपत्ति नहीं हमें, लेकिन सद्गुरु यानी कौन? आत्मज्ञान है जिसको, जिसकी दृष्टि आत्मा पर है। तुम्हें चाहिए आत्मज्ञान, और तुम्हारी दृष्टि किस पर है? वेश पर। कभी होगा कि नहीं होगा? कभी नहीं होगा, ये तुम लोग ही मना कर दोगे, है ना? सही बात है। तुम्हें चाहिए सद्गुरु से क्या वेश चाहिए, क्या आत्मज्ञान चाहिए? आत्मज्ञान। लेकिन तुम सद्गुरु खोजने निकलते हो तो आत्मज्ञान को प्रायोरिटी में रखते हो या वेश को प्रायोरिटी में रखते हो? किसको रखते हो? वेश को। अभी तक वेश को। अच्छा, अभी थोड़ा तो मुझे कबूल करो। 3 साल पहले तक वेश को, लेकिन अब तुम्हें पता चलता है आत्मज्ञानी। और आत्मज्ञानी है ये कैसे पता चलेगा? जिसकी हर बात में तुम्हारे आत्मा को राग द्वेष रहित होना, निर्मल होना, कषाय रहित होना, बस हर बात में वहीं तक ले जाते हो, उसकी दृष्टि आत्मा पर है। और जिसकी दृष्टि आत्मा पर है वो स्वयं आत्मद्रष्टा है, आत्मज्ञानी है। संबंधों का स्वरूप अब तक तुम्हारे लिए क्या था? जिनसे हमारी कामनाएं पूरी होती हो, वही तुम्हारे लिए संबंध थे? जिनसे हमारी अच्छी बुरी सारी कामनाएं पूरी होती हो, वो तुम्हारे लिए संबंध का स्वरूप थे। लेकिन अब इतने वर्षों के सत्संगों के बाद संबंधों का स्वरूप क्या हो गया? अपना उपयोग जिसके लिए करूं, अपने निष्काम प्रेम को जिसके लिए अर्पण करूं, जिसके प्रति न्यौछावर करूं, अब तुम्हारे लिए संबंध का अर्थ कुछ स्वरूप बदल नहीं गया? राग और प्रेम जो मैं कहती हूँ, अभी तक तुम्हारे लिए संबंध कैसे थे? राग, उसका उपयोग खुद के लिए करूँ। अब तुम्हारे लिए संबंध कैसे हो गए? प्रेम, अपना उपयोग दूसरों के लिए करूँ। बस जो तुम्हें ये स्वरूप समझा देना वो धर्म है। जो तुम्हें स्वरूप के निकट पहुँचने के लिए बार 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 पीछे से शाब्दिक धक्के मारे, कहीं से भी धक्के मारता रहे, समझना तुम कहीं ना कहीं सद्गुरु के आड़े आके पड़े हो। धक्का तभी तो मारेगा कोई तुम्हें। तुम सद्गुरु के पीछे क्या पड़ोगे? मैं तो कई बार कहती हूँ ना, तुम कैसे सद्गुरु के पीछे पड़ोगे? पीछे कोई सद्गुरु पड़ा है तुम्हारे, तभी तुम आज ये राग और द्वेष रहित हो पा रहे हो। आज मुझे ज्यादा नहीं बोलना,
फटाफट विषय को अभी कंप्लीट कर देंगे। जरा एक बार रीकैप कर लो, जो मुख्य विषय था उसका लास्ट पार्ट आज हम खत्म कर देंगे। कर्म प्रकृति चैप्टर 33 उत्तराध्ययन सूत्र, चार मुख्य विषय थे कर्मों के अधीन। कर्म कितने प्रकार के हैं अभी तो याद होगा, सबने रट्टे मारे होंगे, लेकिन जो विषय चल रहे हैं इसके अंदर, ये चार विषय चल रहे हैं, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और अनुभागबंध। तो मुख्य विषय प्रकृतिबंध का ही था, जिसे हम पिछले शायद 10, 12, 13 कितने सत्संग हो गए तब से हम लोग उस विषय को चला रहे हैं। प्रकृतिबंध मतलब क्वालिटी ऑफ कर्मा, क्वालिटी ऑफ कर्मा, चार से लेके लगभग 13 या अच्छा 15 तक यही चला। देख लो एक बार, पहले श्लोक के अंदर केवल विषय बताया था कि हम विषय आरंभ करते हैं, दूसरे और तीसरे श्लोक के अंदर सारे कर्मों के नाम बताए, चौथे से लेकर 15वें तक प्रकृतिबंध यानी क्वालिटी, टाइप ऑफ कर्म, तुम कुछ भी सोचते हो कुछ भी करते हो तो कौन सी टाइप का कर्म बंधता है हमने ये देखा, उसका क्या कर्म फल आता है हमने ये भी देखा, मुख्य विषय ये था, और उस फल उस कर्म को बंधने से हम कैसे अटका सकते हैं, हमने ये तीन बातें देखी। हाँ कि नहीं, प्रकृति बंध मेन विषय है इस पूरे चैप्टर का, इसलिए हमने उसी पर इतना टाइम इन्वेस्ट किया। प्रकृति बंध यानी टाइप ऑफ कर्म, तुम कौन सा कर्म बांधते हो, क्वालिटी ऑफ कर्म, और उसमें हमने सब में तीन तीन बातें देखी। पहली, कैसे कर्म बंधता है, दूसरा कैसे कर्म का फल आता है ये बंधे हुए कर्म का, और तीसरा कैसे उसे अटकाया जा सकता है। तीनों बातें, क्योंकि खाली एक बता दें बाकी दो ना हो तो क्या फ़ायदा, तीनों बातें करी। आज बस 15वां श्लोक है वो कर लेंगे, उसके बाद 16, 17 और 18 में प्रदेश बंध की बात है। प्रदेश यानी क्वांटिटी, कर्म बनते हैं तो कितनी क्वांटिटी में बनते हैं। उसके बाद 19, 20, 21, 22 और 23 के अंदर स्थिति बंध है, स्थिति यानी उसका ड्यूरेशन कितना होगा, कोई कर्म बंधा है तो कितने ड्यूरेशन तक वो आत्मा के साथ चिपका रहेगा, कितने ड्यूरेशन के बाद वो उसका उदय आएगा। और 24वें के अंदर अनुभाग बंध यानी उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, हाउ इंटेंस इट इज, उसका रस इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है, और 25वें विषय को पूरा करेंगे। हम लोग 15 से शुरू करते हैं, जैसे जैसे आती जाएगी बात आगे करते जाएंगे। खाली 15वां श्लोक, ताणे लाभीय भोगेय उव भोगे विरिये तहा पंचविहम अंतरायम समासेण वियाहियम। अंतराय कर्म संक्षेप में पांच प्रकार का है, दाना अंतराय, लाभा अंतराय, भोगा अंतराय, उपभोगा अंतराय और वीर्य अंतराय। आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन वह शक्ति हमारी बाहर आती क्यों नहीं, शक्ति के ऊपर हमेशा कोई ना कोई आड़ा क्यों आ जाता है, कोई ना कोई आवरण, कोई ना कोई पर्दा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ उस शक्ति को ढक क्यों देता है, क्या कारण है, तो वो कारण है अंतराय का। दान देने की शक्ति है, लाभ की शक्ति है, भोग की शक्ति है, उपभोग की शक्ति है और वीर्य की, ये सारी की सारी शक्तियाँ आत्मा में 1, 2, 4, 8 यूनिट्स नहीं है, अनंत है, मतलब जिसका कभी खत्म, जो कभी ख़त्म नहीं होती, इतनी शक्ति है। लेकिन फिर भी वो शक्ति हमारी बाहर क्यों नहीं आती, तो नहीं आने के पीछे जो कारण है उस कारण को अंतराय कर्म कहा जाता है। इस आत्मशक्ति को प्रकट करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसमें जो बाधा डालता है उसी को अंतराय कर्म कहते हैं। अंतराय का मतलब होता है विघ्न डालना, बाधा डालना, रुकावट डालना, अड़चन डालना, ऑब्स्टेकल, इंटरप्शन, व्हाटएवर यू फील लाइक, ये सब जो भी तुम्हें कार्य करना है, तुम्हें मन है सत्संग देखना है लेकिन सत्संग देखने में भी कुछ बाधा पड़ रही है, यदि तुम्हारी अपनी बाधा पड़ रही है या कोई बाहर वाला डाल रहा है, तो दोनों में क्या कहा जाएगा, अंतराय कर्म। अंतराय कर्म की जो पांच उत्तर प्रकृतियां हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इसको दो अपेक्षा से समझेंगे, पहला व्यवहार अपेक्षा और दूसरी इसकी आत्मार्थ अपेक्षा। व्यवहार अपेक्षा दाना अंतराय, कुछ भी देने की इच्छा होते हुए भी नहीं दे पाना, कुछ भी संपत्ति है, साथ है, साथ देने, कोई कहते हैं ना आना जरा कॉफ़ी पीकर आते, तो साथ देने के की भी इच्छा है लेकिन नहीं जा पाता, कुछ वस्त्र आदि देने हैं नहीं दे पाते, जो कुछ भी तुम्हें देने की इच्छा है पर नहीं दे पाते, इसमें कौन सा कर्म आड़े आ रहा है, दाना अंतराय, कौन बाधा कौन पहुंचा रहा है, दाना अंतराय। और ये क्यों बाधा पहुंचाता है, क्योंकि तुमने दूसरों को पहुंचाई है,
तुम भी दूसरों को दान करने में, कुछ देने में, साथ देने में, पैसा देने में, कुछ उनको अच्छा देने में, कुछ संपत्ति देने में, कुछ वस्त्र आदि देने में तुमने बाधा पहुंचाई ना, इसलिए आज तुमको भी वही बाधा है। इसके कॉज एंड इफेक्ट दोनों सिमिलर चलेंगे। लाभा अंतराय, प्राप्ति की इच्छा करता हुआ भी प्राप्ति नहीं होती। कितनी बार होता है हमें लगता है कि बस ये बिजनेस डील आई 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 और चली गई। कितनी बार ऐसा होता है ये दोस्त ने मेरे को भी अच्छा बोला 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 और नहीं बोला, लाभ होता दिख रहा है एकदम उस वर्ष पर उस पॉइंट पर आ गए और अचानक चला जाता है, ये क्या है? लाभ में अंतराय, अंतराय यानी शक्ति तुम्हारी ढक गई है लाभ करने की, लाभ लेने की, और इसका कारण क्या है? तुमने दूसरों को बाधा पहुंचाई। तीसरा भोगा अंतराय, देखो दो शब्द आ रहे हैं इसमें, एक भोग और एक उपभोग। भोग उसको कहते हैं जो वस्तु को एक बार लिया और उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे तुमने भोजन खाया, एक बार खा लिया, अब उसको दोबारा नहीं खा सकते सिमिलर भोजन को। और ये जैसे रुमाल है, इसको मैंने एक बार भोगा, दो बार भोगा, चार बार भोगा, 50 बार भोग सकती हूँ, तो इसको उपभोग कहते हैं। भोग उसको बोलते हैं जिसका केवल एक बार यूसेज हो सकता है, और उपभोग उसका उसको कहते हैं जिसका बारंबार यूसेज हो सकता है। तुमने एक बार पानी पी लिया, खत्म, वो भोग था। लेकिन मटका वर्षों तक रहता है घर में, तो मटके का उपभोग होता है और पानी का भोग होता है। तो दो शब्दों में क्लैरिटी कर लो, जो एक बार यूज किया जाए वो भोग, जो बारंबार इस्तेमाल में आ सके उसको उपभोग। भोग अंतराय में क्या होता है? वस्तु के प्रति भोग की इच्छा होने पर भी भोग नहीं कर पाता। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, किसी के भी प्रति, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, भोग की इच्छा है, घर में लड्डू पड़े हैं, काजू की बर्फी पड़ी है, लेकिन भोग नहीं कर पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं डायबिटीज का डर है, मोटे होने का डर है, खांसी का डर है, तो भोग नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार उपभोग की इच्छा होते हुए भी उपभोग नहीं कर पाना। कोई भी वस्तु है जिसका पुनः पुनः भोग किया जा सकता है, तुम्हारी इच्छा भी है लेकिन किसी भी कारण से नहीं कर पाना। घर में तुम्हारे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उस पर तुम्हें यूट्यूब पे पिक्चर देखने की भी इच्छा है, ये क्या हुआ? उपभोग हुआ। लेकिन इंटरनेट नहीं है, अब क्या होगा? ये उपभोग में अंतराय आ गया। वीर्य अंतराय, शक्ति सेवा आदि की होने पर भी, प्रकट करने की इच्छा हो लेकिन फिर भी शक्ति प्रकट ना हो, तुम्हारा मन हो कि हम ऐसा रे में आके सेवा दें, स्टार्टिंग में दें या बाद में दें या कहीं पर भी सेवा दें, लेकिन शक्ति भी है, भाव भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से वीर्य ही नहीं उछलता कि हाँ या तो सुबह जल्दी चले जाए या बाद में थोड़ा ज़्यादा रह ले, ऐसा कुछ वीर्य ही नहीं उठ पाता। ये क्या है? वीर्य अंतराय। जैसे उषा प्रभु मुझे पिछली बार कह रहे थे ना, कहाँ बैठे, कहते आपने प्रभु बोला तो अंदर से मन तो कर रहा था कि मैं भी करूँ स्किट, ये जो आज होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट, लेकिन मैं हाथ ही नहीं उठा पाई। ये क्यों नहीं उठा पाए? वीर्य अंतराय, वीर्य का अंतराय। और ये क्यों आया? क्योंकि दूसरों को जब ये करने का भाव था तब हमने उन्हें अटकाया, तो ये इस रूप में हमारे जीवन में आता है। इसी का एक आत्मार्थ कथन होता है, जो वैसे उत्तराध्ययन सूत्र में तो नहीं है लेकिन हम लोग तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करते थे, तो उसके अंदर बड़ा प्यारा एक आत्मार्थ कथन आता है इसका, कि दाना अंतराय क्या होता है। दान का मतलब क्या होता है? देना। तो जब हम इस मोक्ष मार्ग पर चलते हैं तो अपनी आसक्ति और आग्रहों को देना चाहते हैं, दे देना चाहते हैं, उनका त्याग कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आसक्ति और आग्रह का त्याग नहीं होता, ये दाना अंतराय है, ये आत्मार्थ कथन है। थोड़ी डीप बात हो गई। अब आत्मा के एंगल से तत्वात सूत्र में इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि हम चाहते हैं कि अटैचमेंट्स कम हो, हम चाहते हैं कि हमारा आग्रह कम हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वी आर अगेन इनटू दैट नेट ऑफ ट्रैप ऑफ अटैचमेंट्स, इजंट इट? चाहते हैं फिर भी नहीं हो पाता। क्या चाहते हैं छोड़ना? आसक्ति, आग्रह, हमारे अहंकार, सब कुछ हर कोई चाहते तो हो। तुम आसक्ति का दान देना चाहते हो कि नहीं? अपने अहंकार का दान देना चाहते हो कि नहीं? लेकिन फिर भी आसक्ति और अहंकार का दान नहीं दे पा रहे, इसका मतलब क्या हुआ? दाना अंतराय, ये आत्मार्थ अपेक्षा, और ये बड़ी खूबसूरत अपेक्षा होती है। दूसरा लाभा अंतराय, तुम्हारी इच्छा है कि आत्मिक सुख हमें मिले, आत्मिक सुख का लाभ हो हमें। अभी तुम ध्यान में बैठो, तुम्हें लगता है आज तो इतना मजा आ रहा है, कुछ जरूर होगा, पहुँचते पहुँचते अचानक तुम, होता है ना, एक थॉट आता है और तुम्हें पूरा हिला के चला जाता है। इतनी शांति से हम बैठे होते हैं, इतना सब कुछ निश्चल चल रहा होता है और अचानक से कोई विचार आता है और हम देखते हैं, हम सडनली वी आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ मेडिटेशन।
अब दोबारा ध्यान में जाने का रत्ती भर मन भी नहीं करता, ऐसा फील किया है कि नहीं? इतनी बढ़िया स्थिरता चल रही होती है, शांति से हम बैठे हैं, अचानक कोई विचार आया, हमें लग रहा था हम तो कितने गहरे थे, कितने आराम से अपनी निर्विकल्प समाधि के निकट निकट आने को थे, और एक विचार ऐसा आया कि उसके बाद ना शारीरिक स्थिरता रहती है, होता है ना, शरीर भी तुम्हारा हिलने डुलने लगता है, मन अंदर से बेचैन होने लगता है, छोड़ो छोड़ो, आंख अंदर से बेचैन होती है, खुलो खोलो, होता है कि नहीं? ये इन सब अनुभवों से हम भी पसार हुए हैं, तो इसलिए हम समझ सकते हैं ऐसा हम सबके साथ होता है। ये लाभांतराय है आत्मार्थ दृष्टि से, कि तुम समाधि की तरफ जा रहे थे, अचानक बीच में से कोई विचार आके तुम्हें पूरा हिला देता है, ऐसा हिलाता है कि वापस तुम उस समाधि में ही नहीं जा पाते। तीसरा, भोगा अंतराय, एक क्षणवर्ती पर्याय को, यानी श्रद्धा आनंद शांति सुख का वेदन करने की भावना खूब है तुम्हारी, कि एक बार ना मैं एक क्षण के लिए वो आत्मिक सुख को फील कर लूं, बस भावना होती है कि नहीं, कि जिसकी इतनी इतनी तारीफ इन शास्त्रों में कही है, एक क्षण के लिए वो सुख कैसा होगा उसको फील कर लें, इच्छा सबकी है कि नहीं है? अब तो हम लोग वो जगन्य मुमुक्षु नहीं है ना कि अगले भव में सम्यक दर्शन करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, इसी भव में हमें इच्छा है एक बार कर लें, लेकिन फिर भी वो क्षणवर्ती पर्याय नहीं अनुभव में आती, ये क्या हो गया? लाभ का अंतराय, लाभांतराय, भोगा अंतराय। उसके बाद आया उपभोगा अंतराय, आत्मा में अनंत गुण है, उन अनंत गुणों को बार बार तुम उपभोग कर सकते हो, उपभोग क्या है, बार बार उसको तुम फील कर सकते हो, लेकिन वो नहीं होते, एक बार बार छोड़ो एक बार भी नहीं होते, तो वो फील ही नहीं होते, ये उपभोगा अंतराय। और फाइनली वीर्य अंतराय, ध्यान में काफ़ी समय बैठते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान में जो एक छलांग लगानी होती है ना, तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाता है, तुम्हारा मन भी चलो विकल्पों में मैनी टू वन में आ जाता है, बहुत के बदले अब थोड़े थोड़े कम कम विकल्प रह गए, लेकिन फिर भी जो मन के पार छलांग लगानी होती है ना, वो छलांग लगाने का जो साहस है, जो पिछली बार बोला था ना, कौन कौन छलांग लगाएगा, पागल लगाएगा या प्रेमी लगाएगा, तो लक्षिता प्रभु आके बड़ा प्यार से बोल रही थी कि प्रभु आपने तो दो ऑप्शन दिए कि या तो पागल लगाएगा छलांग, यहाँ से यहाँ वाली जो छलांग की बात चल रही थी, या प्रेमी लगाएगा, लेकिन प्रभु हम तो पागल प्रेमी है, हमारा क्या होगा? अब तुम पागल प्रेमी हो इसीलिए नहीं लगा पाते, ऐसा तो नहीं है, तो जो करो, लेकिन या तो ऐसा ही वीर्य जो चाहिए ना यहाँ से यहाँ जाने के लिए, वो अद्भुत वीर्य के अंदर भी अंतराय पड़ता है, बिकॉज ऑफ वीर्य अंतराय। और ये क्यों पड़ता है? क्योंकि हमने दूसरों को जानते अनजाने, जानबूझकर अनजाने, कहीं ना कहीं किसी को हम अटकाते जा रहे हैं इस कारण से। तो कहीं भी जीवन में किसी को भी, खास करके कुछ अच्छा करने में, बुरा में तो अटकाओ वो कर्तव्य है, लेकिन अच्छा करने में अटका रहे हो तो अटकना उसको, उसका क्षमापना करना, उसकी प्रायश्चित करना, क्योंकि जो तुमने यहाँ किसी को अटकाया तुम्हारे मोक्ष मार्ग में, साधना मार्ग में कहीं ना कहीं वह अंतराय बनकर खड़ा रह जाएगा। आगे क्या है, 16, 17 और 18 के अंदर प्रदेश बंद की बात है, उसको कह लो। आओ मूल पयणियो उत्तराओ आहिया पै सकम खेत काले भावम चादुत्तरम सुण सवे सिंचेव कम माणम पैसकम्णंतगं गंटिया सत्तायं अंतो सिद्धान आहियं सव जीवान कम्मं तु संगहे च दिसागयं सव्वे सुविपैसेसु सव्वं सव्वेण बद्धगम्। कर्मों की ये ज्ञानावरणीय आदि 8 मूल प्रकृतियाँ और श्रुत ज्ञानावरणीय आदि 57 उत्तर प्रकृतियाँ कही हैं, 57 किया है इनको टोटल, ये टोटल मिला के 57 होनी चाहिए। ये उत्तर प्रकृतियाँ सब में थी ना, सबकी अलग अलग प्रकृतियाँ, नाम कर्म की इसमें दो ही गिनते हैं, शुभ नाम और अशुभ नाम, हमने भले ही 92 की थी, गोत्र कर्म की भी इसमें दो गिनेंगे, मोहनीय कर्म की 28 गिनेंगे, दर्शनावरणीय की 9, ज्ञानावरणीय की 5, अंतराय की 5,
ये कुल मिला के 57 प्रकृतियाँ होगी। इसके आगे तो उनके प्रदेश, अग्र, क्षेत्र, काल और भाव को सुन। प्रदेश कैसे बनता है, बहुत ही ब्रॉड बात की है, देखो इसमें बहुत ग्रॉस बात है, इसके हम डिटेल्स में भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि इसके डिटेल में जाने का मतलब है हम आईसी की वर्किंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। एक आईसी होती है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, इतना छोटा, वो इतने छोटे एप्पल का तो इतना होगा आईसी, तुम्हारा फ़ोन ही इतना सा है तो उसका आईसी तो इतना छोटा सा होगा, उस छोटे से सर्किट में कितने सारे कनेक्शंस होते हैं कि नहीं, आईसी तुम्हें मालूम है, वो आईसी के अंदर इतने सारे कनेक्शन कहाँ से, कौन सा कनेक्शन कैसे प्लग इन होता है, प्लग आउट होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, ये सारा अब उसकी बात कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। तो वो अभी हमें समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ऑटो प्रोसेस है। तुम्हें आईफोन यूज़ करना हो, उसके लिए आईसी की वर्किंग की नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मुझे माइक्रोफोन यूज़ करना है, इस माइक्रोफोन के अंदर प्रोसेसिंग कैसी होती है, आवश्यकता है? वो ऑटोमेटिक है, खाली इन्होंने स्विच दबाई, यहाँ पर ये आया और ये चलने लग गया। फ़ोन के अंदर भी ऐसा ही है। आईसी को समझने का जो प्रोग्राम है वो उन्होंने यहाँ पर बताया है दो गाथा के अंदर। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल। एक समय में ग्राह्य सब कर्मों का प्रदेश अग्र अनंत है। प्रदेश अग्र यानी परमाणुओं की मात्रा। एक समय के अंदर यानी एक क्षण के अंदर, एक क्षण भी क्या, क्षण के अंदर एक समय तो ऐसा बोला जाता है कि एक ये पलक झपकी ना, उसमें असंख्य समय चला गया, अनंत नहीं, असंख्य समय। तो ये एक समय को मान लो, एक पलक झपकना भी तुम मानते हो, तो उस एक समय में जो ग्रहण होते हैं वो कर्म परमाणुओं की मात्रा कितनी अनंत है। अब इनको कंपैरिजन दिया है, इनका किससे कंपैरिजन दिया है, एक तरफ अभवी जीवों से और एक तरफ सिद्ध आत्मा से। सिद्ध आत्माओं के वो अनंत में भाग में है, कंपैरिजन कर रहे हैं, इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग इट। चूंकि दिस इज टोटली अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, अब इसको मुझे उसीलिए नहीं उघाड़ रही, क्यों इन्होंने कर्म के प्रदेश की कंपैरिजन इन्होंने सिद्ध और अभवियों से की है, दो बार करेंगे ये। सिद्ध के से कैसे हैं वो अनंत में भाग में है। अनंत में भाग मतलब 1/10 या 1/अनंत जो हो गया उससे कम भाग में है, और अभवी से वो अभवी जीवों से अनंत गुना अधिक है। देखो क्या लिखा है, वह कर्म के प्रदेश जो जीव ग्रहण करता है एक क्षण में, वो इस पृथ्वी पर जितने अभवी जीव हैं, अभवी जीव वो होते हैं जो कभी भी मोक्ष में नहीं जाते, अभवी जीवों से अनंत गुना अधिक है। यानी अभवी जीव कितने हुए, बहुत थोड़े, खाली इसमें समझना यही है, अभवी जीव बहुत थोड़े हैं, क्योंकि एक समय में अनंत गुना कर्म वर्गणा के पुद्गल जीव ग्रहण करता है। उसकी मात्रा कितनी है तो दो से कंपेयर किया है, पहला अभवी जीव से कितनी है, अनंत गुना अधिक है, और सिद्ध आत्माओं से अनंत में भाग जितनी है। ये दिस इज टोटली आईसी मैकेनिज्म, इसको छोड़ दो। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कर्म वर्गणा के पुद्गल एक समय में अनंत तुम्हारे ऊपर ग्रहण होते हैं। सब जीवों के संग्रह योग्य पुद्गल छह दिशा कौन सी है, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और ऊपर और नीचे, छह दिशाओं से आत्मा से संलग्न सभी आत्म प्रदेशों में स्थित है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कर्म वर्गणा के जो पुद्गल है वो इस पूरे लोकाकाश में ठसा ठस भरे हुए हैं, कोई भी जगह ऐसी नहीं है। तुम ये सोचो कि हम मून पे चले जाएं वहाँ कर्म नहीं बंधेंगे, ऐसा नहीं है। ठसा ठस समझते हो, कहीं कोई जगह नहीं बची, इस तरह से वो पूरा आकाश प्रदेशों में स्थित है। वे सब कर्म परमाणु बंध काल में एक आत्मा के सभी प्रदेशों के साथ एक साथ संबंध होते हैं। जब आत्मा राग और द्वेष करता है, जब भी आत्मा राग और द्वेष करता है तो वो छहों दिशाओं से जितने भी कर्म वर्गणा के पुद्गल है उसी क्षण, तत्क्षण, अभी बोला और साथ के साथ वो राग द्वेष के परमाणु जो किए, वो राग द्वेष की इंटेंसिटी के कारण तत्क्षण आकर हमारी आत्मा के जो कार्मिक लेयर होती है उसके साथ चिपकता है। आत्मा के भीतर कुछ नहीं जाता, एकदम बिल्कुल स्फटिक की तरह है, लेकिन आत्मा के ऊपर जो कार्मिक लेयर है उसके साथ आकर ये चिपकती जाती है। आगे 19, 20, 21, 22, 23 इसके अंदर स्थिति बंध बताया है कि एक कर्म बंधता है तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने समय तक वो बंधा रहता है, वो अब आठों कर्मों का बताया है जो यहाँ चार्ट में लिखा है। चार्ट यहाँ ले लो बेटा। उदही सरी नामाणम तीसई कोड़ी कोड़ियो उक्को
सी आठी होई अंतु मुहूर्तम जहनिया आवरणि जान दूढ़ हम्पी वियणिज्य तहेवय अंतराय कम्मी ठीये सा विहाहिया उदहि सरी नामाणम सत्तरिम कोडि कोडियो मोहणिज्य स उकोसा अंतु मुहूर्तम जहनिया तेतीस सागरो वमा उक्को सेण वियाहिया ठीयो आउ कम्मं स अंतु मुहूर्तम जहनिया उदहि सरी नामाणम वीसई कोडि कोडियो नाम गोत्ताणम उक्कोसा अठ मुहूर्ता जहन्निया। आठों कर्मों की जगन्य और उत्कृष्ट स्थितियां बताई है इन पांच श्लोकों के माध्यम से। जगन्य यानी तुमने कर्म बांधा, कोई कर्म मैंने समझो इस क्षण में बांधा, तो जगन्य स्थिति यानी जल्दी से जल्दी कब उदय में आएगा, और उत्कृष्ट स्थिति यानी देर से देर कब उदय में आएगा। अच्छा क्या है? अच्छा दोनों में से अच्छा ये, वैसे अच्छा कुछ भी नहीं है, अच्छा यही है राग द्वेष रहित हो जाना, लेकिन इन दोनों दो का ऑप्शन था तो इन दो में अच्छा यही है कि जल्दी आ जाए, क्योंकि जितनी लेट आएगा उतना परिभ्रमण तुम्हें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने सबके दिए हैं और ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट इनमें है क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम, जिसको एक्सप्लेन करना वापस तुम्हारे, अभी सपना प्रभु बोलेंगे प्रभु सारा बाउंसर गया तो वो ऊपर से जाएगा, इसको अभी तुम्हारी समझ के लिए, ऑल दो ये है नहीं ऐसे, लेकिन तुम्हारी लेमैन की लैंग्वेज के लिए इसको हम क्रोड़ा क्रोड़ी मतलब क्रोड़ इंटू क्रोड़, 30 करोड़ × 30 करोड़, पहले तीन है ना, 30 करोड़ × 30 करोड़ उसको हम डाल सकते हैं, ऑल दो ये वो नहीं है, लेकिन खाली 30 करोड़ × 30 करोड़ यानी कितना, 900 पहली बार ठीक किया मैंने, 900 करोड़ रुपये, 900 करोड़ सागरोपम यानी कितना समय हो गया, ये कोटा कोटी सागरोपम के हिसाब से तो ये बहुत थोड़ा है, लेकिन खाली तुम्हारे समझने के लिए कि बहुत लंबा टाइम है। वैसे सागरोपम की जो एक उपमा तुम्हें समझा दूं, चिड़िया एक सागर में से, चिड़िया जो होती है एक सागर है, दूसरा सागर एक गड्ढा है सागर जितना ही बड़ा, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर सागर में से उस गड्ढे में भरती है, कितना टाइम लगेगा एक सागर को उस उधर डालने में, चिड़िया डायनासोर नहीं बोला, हाथी भी नहीं बोला, और वाईफाई ट्रांसफ़र अलाउड नहीं होते इसमें, तुमको वाईफाई से कर देंगे तो ऐसा नहीं होता, कितना समय लगेगा एक सागर को इधर से उधर ले जाने में जो समय लगता है उसे एक सागरोपम कहते हैं। ऐसे 30 करोड़ × 30 करोड़ यानी कितना गिना हमने, 900 करोड़, करोड़ में कितने जीरो आते हैं मुझसे मत पूछना, लेकिन इतने काफ़ी सारे जीरो होंगे, 9-10 तो होने ही चाहिए, तो और दो 900 के भी दो और लगा लो तो 9 हो गए, 9 के पीछे 9 जीरो अगर तुम लगा लो तो इतने सागर उलीच कर उधर डाले उसको, ये उसकी स्थिति है, मतलब ये परिभ्रमण कितना लंबा है। तुम्हें मैं डराना धमकाना नहीं चाहती, क्योंकि अध्यात्म कहता है कि जहाँ तुमने अपने स्वरूप को जाना, जहाँ ईश्वर को जाना, तो तत्क्षण ये सागरोपम सूख जाता है, सूख हमने किया है ना, मीरा की भक्ति थी ना तुम्हारी, जब तक अज्ञान दशा में हो पूरा सागरोपम का सागरोपम है, लेकिन जहां ज्ञान दशा आई सागर ही उड़ गया, पार किसे करोगे तुम, मीरा ने गाया था ना कि जब तक ये था तब तक तो लग रहा था कितना भव समुद्र बहुत गहरा है, लेकिन जहां कृष्ण तेरी एक झलक देखी भव समुद्र सूख गया, अभी तक भव समुद्र बड़ा लगता था अब सूख गया। जब तक अज्ञान है तब तक कितना भटकोगे, 9 के आगे 90 इतने करोड़ ईयर्स तक, यानी तुमने समझो ना ज्ञानावर्ण्य कर्म बांधा, ज्ञानावर्ण्य यानी ज्ञान की निंदा की, ज्ञानी की निंदा की, वही सारा था ना उसमें, ज्ञानी की निंदा करी, ज्ञान की अशातना की, ये कुछ भी तुमने कार्य किया है तो तुमने ज्ञानावर्ण्य बांधा, तो अब ये कितने समय बाद उदय में आएगा, अगर उत्कृष्ट स्थिति है तो कितने समय बाद आएगा,
9 के पीछे 90 इतने सालों के बाद, यानी इतने सालों तक तुम्हारा परिभ्रमण चलेगा और जगन्य होगा यदि तुमने बहुत तीव्र भाव से नहीं किया। तुमने क्षमापना मांग ली, हमने किए थे ना स्पृष्ट बंध और वो सारे चार प्रकार के, तो यदि तुमने तुरंत उसकी क्षमापना कर ली, तुमने उसके लिए पश्चाताप कर लिया, तुमने उससे सॉरी मांग लिया, ये हमने चार पॉइंट्स किए थे, बद्ध स्पृष्ट और निद्दत और निकाचित, बद्ध स्पृष्ट निद्दत और निकाचित, अगर तुमने इमीडिएटली सॉरी बोल दिया, यदि तुमने इमीडिएटली सॉरी, कौन बोलेगा? जिसका इंट्रोस्पेक्शन स्ट्रांग है, जो जागृत है, जो सजग है, जिसको पता चल गया कि अरे ये मैंने बोल दिया, वो गलत बोल दिया, जो सतत जागृत है ना वही इमीडिएटली सॉरी बोलेगा और उसका वो कर्म बंध कैसा होगा? स्पृष्ट, एकदम स्पृष्ट, ये हल्का सा एकदम, और वो जगन्य अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट्स के अंदर अंदर उदय में आ जाएगा। बहुत बहुत छोटा मामला है, लेकिन जो बड़ा मामला है वो कितना है, अगर तुम सॉरी भी नहीं बोलते, अगर तुम पश्चाताप भी नहीं करते, इनफैक्ट तुमने वो पाप किया है वो भी तुम्हें याद नहीं है, तो इस जन्म में तुम सॉरी बोल पाओगे क्या कभी? और जो इस जन्म को चूका वो फिर आगे कितना, उसको 9 के आगे 90 ईयर्स तक, 9 के बाद 90 लगा दो, इतने वर्षों तक वो ऐसे ही उस कर्म का उदय भुगतने के लिए भटकेगा। बड़ा स्ट्रिक्ट है ये मामला जैन दर्शन का। नेक्स्ट दर्शनावर्णीय कर्म का वही है अंतर्मुहूर्त, और मैक्सिमम होगा 30 कोड़ा कोड़ी। वेदनीय कर्म सात और असाता वेदनीय, जगन्य अंतर्मुहूर्त मैक्सिमम 30 कोड़ा कोड़ी। मोहनीय कर्म 28, मोहनीय किससे बनता था? निंदा से, याद है थोड़ा बहुत भी, निंदा करने से मोहनीय कर्म। अगर तुमने निंदा की और तुरंत इंट्रोस्पेक्शन कर लिया, मुझे मैंने गलत कर दिया, तो अंतर्मुहूर्त में उदय में आ जाएगा 48 मिनट्स में। नहीं तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, खींच सकता है, इन दोनों के बीच में भी कभी भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसका काल क्या हो जाता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, यानी कि 7 के आगे 7 × 7 यानी 490 तो पहले हो गए और उसके बाद और 70, तो इतना लंबा मामला। आयुष्य कर्म अंतर्मुहूर्त, आयुष्य के देखे थे ना, चारों में जाने के चार चार कारण थे, महाआरंभी महापरिग्रही वो सारे थे, तो यदि तुमने उन कारणों का सेवन किया लेकिन उसके प्रति जगन्य भाव है, तो अंतर्मुहूर्त में वो तुम्हारा बंध बदल सकता है, नहीं है तो 33 सागरोपम, यानी ये भी काफ़ी लंबा समय होता है। मैक्सिमम किसी भी देवलोक की या नरक की आयु होती है वो 33 सागरोपम है, इसलिए यहाँ ऐसा दिया है। उसके बाद नामकर्म 8 मुहूर्त के अंदर आ जाएगा। एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट का। 8 मुहूर्त मतलब मल्टीप्लाई बाई 8, इतने मुहूर्त में आ जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम उसका 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। गोत्र कर्म मिनिमम होगा 8 मुहूर्त में, मैक्सिमम होगा 20 कोड़ा कोड़ी में, और अंतराय कर्म मिनिमम होगा तो अंतर मुहूर्त में 48 मिनट्स में, और मैक्सिमम होगा तो 30 कोड़ा कोड़ी, यानी कि 9 के आगे 90 वाले टाइम पीरियड के बाद। ये इन सब की जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति है। दे ऑल एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, ये पक्का कर लो। ये सारी स्थितियाँ वैलिड किसके लिए हैं? जहाँ अज्ञान है, जहाँ तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया उसके बाद ये कोई भी स्थिति वैलिड नहीं है। सम्यक दृष्टि भी मोहनीय बांधता है, सम्यक दृष्टि भी ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय नाम कुछ भी बांधता है, लेकिन उसके बाद ये कोई भी स्थितियाँ उसके लिए वैलिड नहीं होती, उसका टोटली सिस्टम एक अलग ढंग से चलता है। नेक्स्ट 24वें के अंदर अनुभाग यानी इंटेंसिटी की बात करते हैं। सिद्धाणमुणंत भागो य अणुभागा हवन्तियो सर्वेषु विपैसकं सर्वजीवेषु इच्छियम्। अनुभाग की बात कर रहे हैं, कर्मों के अनुभाग सिद्ध आत्माओं के अनंतवे भाग जितने होते हैं, सब अनुभागों का प्रदेश परिमाण, रस विभाग का परिमाण सब जीवों से अधिक होता है। अगेन दो कंपैरिजन दी है, कर्मों की इंटेंसिटी, वापस इसमें दिमाग मत लगाना, ये इन शब्दों के आधार पर तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे और ना इसे अध्यात्म में समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ऑटो मैकेनिज्म है, अपने आप होता है, वो तुम्हारे कहने से उदय में नहीं आएगा। जो जितना तुम्हारे हाथ में था वो हम सारा समझा चुके हैं, लेकिन अब जो ऑटो मोड में जा चुका है उसमें हम या आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, उसका रस, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो सिद्ध आत्माओं के अनंतवे भाग जितनी इंटेंसिटी होती है, ऑल्दो इन कंपैरिजन्स का कोई सिर पैर नहीं है, कहाँ तो हम व्यक्ति के कर्म बंध के रस की बात कर रहे हैं इंटेंसिटी, और कहाँ ये सिद्ध आत्माओं की बात कर रहे हैं, लेकिन देयर इज सम रीज़न।
सब अनुभागों का प्रदेश परिमाण, रस विभाग का परिमाण सब जीवों से अधिक होता है, क्योंकि हर कोई हर क्षण आप में से हर कोई हर क्षण, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण में कर्म बांध ही तो रहा है। इसलिए इनकी मात्रा, इनका रस जो बाहर आकाश में पड़ा है, वो इन जीवों से अनंत अनंत गुना ज्यादा होता है। फाइनली विषय को संपूर्ण करते हैं। 25वां तम हाएसी कम्माणम अनुभागे वियाणिया एसिम संवरे चे खवणे जये बुहे खवणे जये बुहे ति पेमी। इन कर्मों के अनुभागों को जानकर बुद्धिमान इनका निरोध और क्षय करने का यत्न करे। अंतिम देशना क्या कह रहे हैं भगवान, इन कर्मों के अनुभागों को जान कर के जब ये परिणाम देते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। हम लोग कई बार कहते हैं ना, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन पता चला कितने कितने जन्मों पहले, कितने कितने सालों पहले हमने किसी का ऐसा बुरा किया था, वो आज इतने जन्मों बाद लौट के आ रहा है। अब इसके साथ और नया राग द्वेष करोगे ना तो वापस कितनी परंपरा तुम्हारे लिए, तो कितनी परंपरा खुली है, मैक्सिमम उत्कृष्ट। ज्ञानियों के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन अज्ञानी के लिए अभी जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक हमारे लिए उत्कृष्ट वाला जो रिजर्वेशन है ना वो खुला है। खुश होने की जरूरत नहीं, उत्कृष्ट वाला रिजर्वेशन यानी इतने जन्मों जन्म तक भटकना हमारे लिए खुला है। इन कर्मों के अनुभागों को जानकर, इनके प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग इन चारों को जानकर बुद्धिमान इनका निरोध और क्षय करने का प्रयत्न करे। यही प्रयत्न हम लोग भी इन सत्संगों के माध्यम से कर रहे हैं। कैसे हमारा कर्म बंध कम हो, भले ही तुम्हें शब्दों का अधिक ज्ञान हो कि ना हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपने राग द्वेष का भान है कि नहीं, बस कर्मों को आत्मा के साथ चिपकाने के लिए कोई गम चाहिए। आत्मा से नहीं, कार्मिक बॉडी से, आत्मा से नहीं चिपकते, कार्मिक बॉडी से जो चिपकाने के लिए ना कोई गम चाहिए, गम फेविकोल फेविक्विक जो भी ग्लू हो तुम्हारा, वो जो ग्लू है ना वो राग द्वेष है। यानी अगर तुम्हारे तुम्हारे कार्मिक बॉडी के ऊपर राग द्वेष ही नहीं होंगे तो तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कितना भी तुम भाव करो ना, वो कर्म आएंगे चिपक नहीं सकते, फटाक देके नीचे गिर जाएंगे। कितने भी आएंगे 48 मिनट में नीचे, वापस आए 48 मिनट में नीचे, लेकिन उसको बांध कर पकड़ के कौन रखता है, क्विक फिक्स कौन है उसका, राग और द्वेष। बस तो मेरा यही तुमसे कहना है कि तुम्हें भले ये शाब्दिक भाषा याद रहे ना रहे, ज्ञानावरणीय वेदनीय मोहनीय डजंट मेक डिफरेंस, तुम्हें इतना याद रहता है कि नहीं कि मुझे राग द्वेष नहीं करना, मुझे अटैचमेंट्स और आसक्ति में नहीं जाना, अटैचमेंट आसक्ति आग्रह में नहीं जाना। जहाँ तुम अपने भीतर वो देखो ना, तुरंत उस बंध को तुरंत सॉरी बोल के, तुरंत सीख फॉरगिवनेस करके, जानते अनजाने फॉरगिव कर करा के स्पृष्ट कर्म बंध में जाने दो, ताकि 48 मिनट के अंदर अंदर या फिर बहुत इसी जीवन के अंदर निकट काल में उसका उदय आए और इस परिभ्रमण की परंपरा से हम आज़ाद हों। उत्तराध्यन सूत्र के सत्संग तुम्हारी आत्मिक यात्रा में ज़रूर लाभपूर्ण रहे होंगे ऐसा मैं मान सकती हूँ। कई शब्दों का परिचय मिला होगा, जैन शास्त्रों के कितने ही शब्द ऐसे थे जो सुने तो थे लेकिन आप उनके अर्थों से नहीं वाकिफ थे, उनका अर्थ मिला होगा। चाहे कितना भी हुआ हो, मूल रूप से फिर भी मेरे लिए अध्यात्म यानी जहाँ तहाँ से बस राग द्वेष रहित हो। जितने राग द्वेष रहित होंगे शास्त्र स्वयं उभरेंगे।